हेलो टू ऑल ऑफ यू RSIT की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स, मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम असेसमेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बट अब जो हमारा असेसमेंट है वो एक्सेल पर है और एक्सेल थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो मैं चाहती हूँ एक्सेल का असेसमेंट करने से पहले हम कुछ प्रैक्टिकल कर देख लें और थोड़ा सा एक्सेल के बारे में जान लें, ताकि असेसमेंट के क्वेश्चंस हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं हम आज के वीडियो लेक्चर में एक्सेल में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं। दूसरा हम जानेंगे सेल क्या होता है। तीसरा हम जानेंगे यहाँ पे एक्टिव सेल क्या होता है। फिर हम एक्सटेंशन नेम को जानेंगे और फिर हम जानेंगे चार्ट्स के बारे में। तो चलिए आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में जाने से पहले थोड़ी सी थ्योरी चीज यहीं पे जान लीजिए। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो एक्सेल क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, जो एक्सेल है इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा स्प्रेड, SPREAD शीट। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, यानी फैलने वाला, ठीक है। तो एक्सेल हमारी ऐसी शीट है जिसको हम काफी स्प्रेड कर सकते हैं, काफी फैला सकते हैं। और एक्सेल जो शीट है इसके ऊपर हम काफी सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, काफी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सेल के बारे में और प्रैक्टिकल के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ एक्सेल को हम ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड के जरिए एक विंडोज की और आर को प्रेस कीजिए। वहां पे आपको लिखना होगा एक्सेल। तो जब आप यहाँ पे एक्सेल लिखते हैं, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा EXCEL, और ओके करते हैं, तो इस तरीके से देखिए एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका है इसको ओपन करने का, कई तरीकों से आप ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च में जाइए और सर्च में जाके यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेल, तो यहाँ से भी एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई तरीके हैं, जो भी तरीका आपको सिंपल लग रहा है आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अब एक्सेल पे जाने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको न्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो न्यू विंडो आपके सामने आ चुकी है, यानी न्यू एक्सेल की शीट आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ से अगर इस तरीके का आपके पास आता है इंटरफेस, तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, इनकेस आता है तो, है ना। चलिए, तो इस तरीके की आपकी पूरी ये एक्सेल शीट होती है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट देख लीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ ना बुक वन एक्सेल, तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम यहाँ पे बुक वन एक्सेल आता है। अब ये क्या है, मेरा पहला एक्सेल का बुक ये बेसिकली क्या है, इसको हम मानेंगे कि हमारी पहली ये एक्सेल की बुक ओपन हुई है। अब मान लीजिए इसी तरीके से मैंने दूसरी ओपन की, एक तो ओपन है, अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी फिर से एक्सेल बुक ओपन करती हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं फिर से अपने कीबोर्ड के जरिए विन आर प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके कर दिया, तो देखिए दूसरी बुक भी ओपन हो गई, है ना, सेम उसी तरीके से ओपन हुई। अब मैंने इस पर डबल क्लिक करा, तो देखिए अब इसका नाम क्या आ गया, बुक टू। यानी जितनी बार आप एक्सेल को ओपन करोगे सेम टाइम पे, यानी एक सीट पहले से खुली हुई है अब आपने दूसरी ओपन कर ली, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बुक टू। अभी बुक टू ओपन है, बुक वन भी ओपन है, बुक टू भी ओपन है। अब आप दोबारा से तीसरी बार फिर से यदि एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बुक थ्री। देखिए मैंने तीसरी बार फिर से वहां से क्लिक कर दिया डायरेक्ट सर्च में से, तो इसका नाम क्या हो गया, बुक थ्री, ठीक है। तो जितनी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते जाओगे उतने बुक के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, फाइन, ओके। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो नाम है जो कंप्यूटर ने खुद ने दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट नेम। तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, बुक थ्री, ठीक है। और बाद में डैश के बाद क्या लिखा हुआ, एक्सेल। तो इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, इस तरीके से टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहता है। अब मैं बंद कर रही हूँ, सिर्फ उसे पहली बुक को यहाँ पे चालू कर रही हूँ। अब हम इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब फैलने वाली शीट्स। कैसे फैलने वाली शीट्स है, तो देखिए ये एक्सेल क्या है, एक पूरी बुक है। आप सभी जानते हैं बुक कैसी होती है, बुक जिसके अंदर कई सारे पेज होते हैं, ऐसे ही जो एक्सेल है ये क्या है, एक बुक है और इसके अंदर कई सारी शीट होती हैं। शीट कैसे होती है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना शीट वन, यानी ये जो हमारे पास अवेलेबल है शीट वन है। अब सपोज मैं इसमें कोई डाटा एंटर कर देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, है ना, ये एक शीट वन है जिसमें मैंने डाटा लिख दिया।
अब सपोज मुझे दूसरी शीट चाहिए है ना, मुझे एक शीट और चाहिए, तो अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगी तो देखिए दूसरी शीट आ गई। मैं इस पर भी अपना डाटा लिख सकती हूँ, मैंने अपना डाटा लिख दिया ठीक है। अभी तो मैं ऐसे डमी डाटा एंटर कर रही हूँ। अब मुझे और भी शीट चाहिए तो मैंने क्या करा, तीसरी ले ली। तो मेरी शीट क्या हो रही है, स्प्रेड होती जा रही है ना, फैलती जा रही है ना, काफ़ी सारी आती जा रही है, तो इसलिए ये जो एक्सेल की बुक है इसको हम स्प्रेड शीट भी कहते हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल को हम क्या कहते हैं, तो एक्सेल को स्प्रेड शीट कहते हैं। अब ये जो एक्सेल की जो प्रत्येक शीट है इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस शीट में जो आपने देखा वो आपने कुछ इस तरीके का देखा, एक मतलब ये बना रही हूँ मैं चौकोर, आप इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं इस शीट में है ना। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रही हूँ, रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, इस लंबी लाइन को हम बोलते हैं कॉलम, ध्यान रखिएगा इसको हम बोलते हैं कॉलम ठीक है। और फिर ये जो इस तरीके की जो लाइनें होती हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं जिनको हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं ठीक है, तो इस तरीके की जो लाइनें हैं इसको हम बोलते हैं रो। तो बेसिकली जो आपकी स्प्रेडशीट है उसमें क्या है, कॉलम भी है और रो भी है। तो हम कह सकते हैं जो स्प्रेडशीट है वो कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है, यानी रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारी पूरी स्प्रेडशीट तैयार होती है। अब यहाँ पर देखिए, कॉलम समझ में आ गया, ये कॉलम है और ये क्या है, ये रो है। तो जब कॉलम और रो हमारे कई सारे मिल जाते हैं तो इस तरीके से देखिए एक छोटे छोटे खन तैयार होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे खन है ना, इनको हम बोलते हैं सेल, यानी ये जितने भी खन है ना, जैसे ये खन हो गया, ये हो गया, ये जितना भी एरिया है जो कि जिस चौकोर चौकोर आपको दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अब ये किससे बन रहा है, तो ये बना है आपकी लंबी लाइन से और आड़ी लाइन से है ना, यानी कॉलम और रो से। तो कॉलम और रो से मिलकर हमारा सेल तैयार होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कॉलम है ठीक है, और इन कॉलम को काटते हुए क्या बन गई, ये रो निकल गई ठीक है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्ट पार्ट को, यानी यहाँ पे रो और कॉलम का विच्छेदन होता है, या कह लीजिए रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, सेल किसे कहते हैं, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं ठीक है। सेल वो जगह होती है यहाँ पे हम अपने डेटा को एंटर करते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें कोई भी डेटा लिखना है तो किस में लिख रहे हैं, हम सेल में लिख रहे हैं ठीक है। तो ये जो सेल है ये क्या है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। फाइन, नाउ अब जैसे सपोज इसमें कई सारे सेल हैं, डेटा कहीं में भरा हुआ है, अब जिस पे भी मेरा पॉइंटर है, जैसे अभी देखो मैंने 45 को सिलेक्ट किया हुआ है अपने माउस के द्वारा, तो मेरा पॉइंटर जिस भी सेल को सिलेक्ट कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ध्यान रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है आपको समझ में आया, सेल क्या होता है आपको समझ में आया, एक्टिव सेल क्या होता है समझ में आया ना। एक्टिव सेल किसे कहते हैं, जिस भी सेल पे हमारा माउस का कर्सर होता है, यानी हमारा माउस का पॉइंटर जिस भी सेल पर होता है उस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल ठीक है। और सेल क्या होते हैं, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, रो और कॉलम का विच्छेदन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, या रो और कॉलम के विच्छेदन को हम सेल कहते हैं। और इसी सेल के अंदर हम डेटा की एंट्री करते हैं ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसे कहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक बुक है जिसके अंदर कई सारी शीट्स होती हैं, और ये शीट्स कई सारी हो सकती हैं, तो इस कारण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेड शीट भी कहते हैं। इन बातों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओके। नाउ नेक्स्ट, एक्सटेंशन नेम किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। अब देखिए ये डेटा मैंने एंट्री कर दी ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये बुक जो मैंने बना ली है, जैसे मैंने तीन शीटें ली हैं और तीनों शीट में मैंने सपोज कुछ भी डाटा एंटर किया है, तो जो भी मैंने डाटा एंटर किया है मैं चाहती हूँ ये सेव हो जाए। तो मुझे सेव करने के लिए क्या करना होगा, फाइल ऑप्शन पे जाना होगा, सेव एस पे जाना होगा। अब जिस भी लोकेशन पे मुझे सेव करना है वहाँ पे जाना होगा, से दिस पीसी पे चली जाओ, जैसे मैं दिस पीसी पे चली जाती हूँ। दिस पीसी पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन दिखते हैं। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस हो सकता है, ये मैं MS 10 में काम कर रही हूँ इसलिए इस तरीके का इंटरफेस है, MS 7 में कुछ दूसरा इंटरफेस होता है ठीक है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगा लेना
चीज़ें आपको यही मिलेंगी। ठीक है, सेव एस पे जाओगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है क्या, कहाँ पर सेव करना है। तो इस तरीके से मैं जिस पीसी पे चली गई, जिस पीसी के बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चली गई, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे डमी बुक के नाम से सेव कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखिए डमी बुक क्या किया है, मैंने नाम दिया है, एक नाम कंप्यूटर ने नहीं दिया, कंप्यूटर ने बाय डिफॉल्ट इसको नाम क्या दिया था, बुक वन, मैंने इसका नाम दे दिया डमी बुक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डमी बुक लिखा है और यहाँ पे अपने आप सेव एज टाइप में क्या आ रहा है, एक्सेल वर्कबुक, यानी ये एक्सेल वर्कबुक के टाइप में सेव हो रही है। ठीक है ना, अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखिए जो भी नाम मैंने लिखा था डमी बुक, अब वो यहाँ पे लिखा गया, पहले नाम यहाँ पे क्या था बुक वन, अब नाम यहाँ पे क्या आ गया डमी बुक। ठीक है, अब इसका मैं पूरा नाम देखती हूँ अपनी इस फाइल का, तो उस पूरा नाम देखने के लिए क्या करना होगा, फाइल ऑप्शन पे चले जाइए, अब मैं इसका पूरा नाम देखना चाहती हूँ कि ये जो बुक है मेरी कि अब मैं इसका पूरा नाम देखना चाहती हूँ कि ये डमी बुक है इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम जानने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे चले जाइए। ठीक है, अब 7 का इंटरफेस होगा तो आपके यहीं पे सामने ही जो फाइल अभी डमी बुक है वो सामने दिख जाएगी आपको, यहाँ पे है ना एक ऑफिस का एक आइकन आएगा ऐसे चौकोर सा बिल्कुल लेफ्ट में, वहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन अगर 10 का या इस तरीके का इंटरफेस है तो आपको फिर वो यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे जस्ट मुझे अपना माउस लेकर आना है। 7 में भी अगर आपको दिख जाता है डमी बुक तो वहाँ पे आप बस अपना कर्सर ले जाना, वहाँ पे क्लिक मत करना। तो जैसे कर्सर ले जाओगे ना वैसे देखो एक यहाँ पे एक पट्टी सी आ गई, उस पट्टी पे क्या लिखा हुआ है, C:\user\pc\desktop। ठीक है, यहाँ तक, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है डमी बुक डॉट xlsx। ठीक है, तो देखिए यहाँ C:\user\pc\desktop ये जितना भी एरिया है ये उसका एड्रेस है कि कहाँ पर मेरी फाइल रखी हुई है। मेरी फाइल का नाम क्या है, तो मेरी फाइल का नाम है डमी बुक। एक्सटेंशन नेम क्या है, तो एक्सटेंशन नेम इसका .xlsx। ठीक है, ये एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे हमारा सननेम होता है ना, तो इसी प्रकार जो हम जिस भी सॉफ्टवेयर की हमारी फाइल होती है उस प्रत्येक सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम आपके एक्सेल बुक का होता है xlsx, जो कि आपने अभी देखा है ना पूरी पट्टी में जो लास्ट में लिखा था ना, तो डॉट के बाद हम अपनी फाइल जो देख का नाम देते हैं उस फाइल में डॉट के बाद जो भी लिखा होता है वो कहलाता है उसका एक्सटेंशन नेम। तो xlsx क्या है, एक एक्सटेंशन नेम है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे वर्जन बदल गए वैसे वैसे एक्सटेंशन नेम भी बदल गए। 2010 में मैं ये काम कर रही हूँ, इसके पहले चलता था अधिकतर जो यूज में आता था, वैसे तो कई सारे वर्जन यूज में आते हैं, वो 2007 था, और 2007 के वर्जन से भी पहले जो पॉपुलर वर्जन था वो था 2003। ठीक है, तो 2003 तक तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है वो सिर्फ और सिर्फ था xls, यानी यही तक होता था। लेकिन 2007 से जो एक्सटेंशन नेम है वो चेंज हो गया। ठीक है, 2003 तक xls था, लेकिन 2007 से ये नाम हो गया आपका xls और बाद में लगने लगा x। ठीक है, तो 2007 में भी एक्सटेंशन नेम है उसके पीछे x लगता है, यानी xlsx हो गया, और 2010 में भी सेम एक्सटेंशन नेम है xlsx। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है हमारे फाइल का नाम, फाइल के नाम के बाद डॉट लगता है, डॉट के बाद एक्सटेंशन नेम लिखा होता है। तो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है xls, ये 2003 तक चलता था, और 2007 से एक्सटेंशन नेम होगा xlsx। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, तो वो आता है आपका चार्ट, आइए चार्ट बनाना हम सीख लेते हैं। एक्सटेंशन नेम आपने देख लिया, अपन ने सेव करना देख लिया, स्प्रेडशीट क्या होती है देख लिया, सेल क्या होता है देख लिया, एक्टिव सेल किसे कहते हैं ये भी देख लिया आपने। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम देखते हैं चार्ट बनाना। चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं पहले तो ये जो डमी अपन ने डाटा लिया था ना इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, चार्ट बनाने के लिए आपके पास कुछ आंकड़े होने चाहिए, जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े हो गए, यानी डेटा होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कंपनी वाला है या कोई शॉपकीपर है, उसने अपने प्रॉफिट के लिए एक टेबल बनाई, उसने देखा, मान लीजिए किसी दुकानदार ने इस तरीके से टेबल बनाई, उसने देखना है कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, तो कितने ईयर में, यानी 2000 में, 2001 में, 2003 में, 3 साल में वो देख रहा है कि उसे कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 2000 में उसको इतना प्रॉफिट हुआ,
2001 में उसे इतना प्रॉफिट हुआ, 2003 में उसे इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इस तरीके से जब हम आंकड़ों के रूप में देखते हैं, थोड़ा सा देखना हमें हमारी टफ पड़ जाता है ना कि कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, या तो आप पूरा मैथ्स लगाओ। बेटर होता है इसको हम एक विजुअल फॉर्म में देखने। विजुअल फॉर्म में देखने के लिए हमको क्या करना होता है, चार्ट लेना होता है। चार्ट लेने के लिए जस्ट आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जो टेबल है आप इसको क्लिक कर दीजिए, है ना, यानी सिलेक्ट कर लीजिए पूरी टेबल। उसके बाद देखिए इस तरीके से इंसर्ट टैब के अंदर, पहले तो हम होम टैब में थे ना, अब हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखिए ये चार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन हमने ले लिए। अब कोई सा भी चार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, उस चार्ट को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने सपोज ये चार्ट ले लिया 2D वाला, ठीक है। अब इस चार्ट को हमने ले लिया, तो देखिए ये हमें को साफ साफ जितने भी हमारे ईयर वाइज जितने भी हमारे आंकड़े थे वो देखो यहाँ पे बता रहा है कि किस समय कितना कितना प्रॉफिट हुआ था, है। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ अपना डेटा, यहाँ पे अपने डेटा को चेंज कर देती हूँ, तो देखिए ये जो चार्ट है वो भी मेरा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे भी सपोज मैंने अपना डेटा चेंज कर दिया, तो देखिए ये चार्ट डिफरेंट हो गया, ठीक है। ये वाला चार्ट दिख नहीं रहा, काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है, लो लेवल पर आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया सपोज। तो ये तो हमें चार्ट देखना, इसलिए मैं यहाँ पे आंकड़े मतलब कम ज़्यादा करती जा रही हूँ। तो देखिए जिस अकॉर्डिंग में यहाँ पे आंकड़े कम ज़्यादा कर रही हूँ, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बार हैं वो दिखाते जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि भाई जो तीसरे नंबर पर यानी 2003 में मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो इस तरीके से हम चार्ट देख सकते हैं। तो चार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो देखिए इसको आप इस तरीके से, बार चार्ट होता है जो 2D के फॉर्म में हम देख सकते हैं, इस तरीके से 3D के फॉर्म में भी देख सकते हैं हम, जैसे 3D बार के रूप में देख सकते हैं। इस तरीके के जो टेबल आएगी 3D बार के रूप में आएगी, बता रही कि भैया तीसरे मतलब जो थर्ड है उसमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। फिर हम अपने चार्ट के टाइप को चाहे तो कई तरीके से देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, फाइन, ओके। नाउ अगर हमको दूसरे तरीके का चार्ट देखना है तो हम दूसरे तरीके का चार्ट भी देख सकते हैं। जैसे चार्ट चेंज चार्ट टाइप, इस पर चले जाइए, तो इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। बार की तरीके से देखना है तो ऐसे आते हैं, इस तरीके से ये पाई चार्ट कहलाता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको जैसा भी चार्ट देखना है उस तरीके के चार्ट पे आप क्लिक करिए और आपको उसी तरीके से आपको ये चार्ट यहाँ पर दिख जाएगा, ओके। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कई सात तरीके के चार्ट हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे क्लिक कीजिएगा और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट की टाइप आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।